नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर शहर में लगातार दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही मामला इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां पड़ोसी ने दोस्ती का फायदा उठाकर अपने दोस्त की पत्नी के साथ दुष्कर्म कर डाला। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है, जहां क्षेत्र की रहने वाली महिला ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पड़ोस में रहने वाले युवक लगातार धमकी देकर दुष्कर्म करा है। वहीं आरोपी उसके पति का दोस्त है, वो मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी भी देता है। महिला द्वारा लगातार परेशान होने के बाद आज पुलिस की शरण ली। पुलिस ने भी महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। 1376 का प्रकरण दर्ज हुआ है। फरियादिया और आरोपी पड़ोसी हैं और द्वारकापुरी क्षेत्र में रहते हैं। जो फरियादिया का पति था वो आरोपी का मित्र था और इसी बहाने आरोपी उनके घर आता जाता था और कुछ पैसों का लेन देन उधार भी था। और दोस्ती जो है जब ज़्यादा काफ़ी बढ़ी तो वो अचानक जो है कई बार सूने घर में भी आ जाता था आरोपी। और फरियादिया के साथ उसने शारीरिक संबंध जबरदस्ती बनाए थे। इस साल डेढ़ साल के दौरान उसने कई बार बनाए और जब वो कहती थी कि वो किसी को बताएगी तो वो जान से मारने की धमकी देता था और पैसे भी नहीं दे रहा था। तो ये प्रकरण पंजीबद्ध किया है और आरोपी को गिरफ्तार किया। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।